अहमद शाह अब्दाली ने जब 1759 में भारत पर चढ़ाई की तो उसने पंजाब और दिल्ली की मराठा सेनाओं को पराजित कर दिया। इस दौरान दत्ताजी सिंधिया बुरारी घाट के युद्ध में मारे गए और जनवरी सन 1760 के अंत तक ये हारी हुई मराठा सेनाएं तितर बितर होकर दिल्ली के दक्षिण में अलग अलग जगहों पर शरणार्थी बनकर रुकी हुई थी और पुणे से पेशवा से आने वाली मदद का इंतजार कर रही थी। उधर दक्कन में फरवरी सन 1760 में पेशवा ने निजाम को अभी अभी निर्णायक रूप से हराया ही था कि अचानक से उत्तर भारत से मिली शिकस्त की खबर उन तक पहुंची। यहां जरा इस बात पर गौर कीजिए कि दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर केवल खबर पहुंचने में ही 1.5 महीना लग गया। पहली कमजोरी तो यही देख लीजिए, पेशवा नाना साहेब यानी कि बालाजी बाजीराव ने अपने सगे भाई रघुनाथ राव को न भेजकर अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन वो ये भूल गए कि इस बार अब्दाली की परछाई से नहीं खुद अब्दाली से टक्कर होने वाली थी। तो सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली की ओर चल पड़ी। साथ में थे हजारों तीर्थयात्री और हजारों महिलाएं जिनको उत्तर भारत के तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराने के सब्ज बाग दिखाए गए थे, जिसमें खास तौर पर कुरुक्षेत्र शामिल था। तो इस लश्कर में सिपाही गिनती के 75,000 ही थे और न लड़ने वाले तीर्थयात्री और महिलाएं 1,75,000। ये थी दूसरी कमजोरी। इसका क्या अंजाम होगा ये आने वाले कुछ मिनटों में आपको समझ में आ ही जाएगा। बहरहाल कुछ ऐसी तब्दीलियां मराठों ने अपनी युद्ध शैली में की थी जिससे निश्चित तौर पर वो अब्दाली को हरा सकते थे। अभी तक मराठे पहाड़ी इलाकों में लड़ाइयां लड़ते थे और छापामारी के आदि थे, आमने सामने की टक्कर को टालते थे। इसीलिए आमने सामने की लड़ाइयों का यानी कि मैदानी लड़ाइयों का पिच्ड बैटल का उनको कोई खास अनुभव नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे मराठे अपनी सेना को मैदानी लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहे थे, यूरोपीय शैली में तरबियत दे रहे थे। दूसरे कर्नाटक युद्ध के वीडियोस में आपने डीबूसी का नाम सुना होगा। डीबूसी एक फ्रेंच सेनापति था जिसने दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों को भारत में हिला डाला था। इस दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान डीबूसी निजाम की सेवा में आया और डीबूसी ने निजाम की सेना को यूरोपियन पद्धति में ट्रेनिंग दी, निजाम का तोपखाना भी मजबूत किया। उसके बाद उसका शिष्य इब्राहिम खां गार्दी मराठों की सेवा में आ गया। तो इब्राहिम खां गार्दी ने कुछ ऐसी ही अजीब पलटने बनाई थी फ्रांसीसी शैली पर। मराठों का तोपखाना संवारने में भी इब्राहिम खां गार्दी की एक विशेष भूमिका थी। मराठों का तोपखाना इस वक्त काफी विकसित था, जिनमें कुछ बेहतरीन फ्रेंच तोपें भी शामिल थीं। पर ये तोपें बहुत भारी थीं और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाना काफी मुश्किल हुआ करता था। इसीलिए सेना की रफ्तार तेज होने की जगह बहुत धीमी हो गई। अचानक से हमला करना और तेजी से हमला करना ये मराठों की सबसे बड़ी ताकतें थी। उनके पास बिजली की रफ्तार से हमला करने वाले घुड़सवार बिल्कुल तैयार थे। तो मराठा सेना बहुत तेजी से कूच किया करती थी और हमले किया करती थी। सारा हिंदुस्तान उनकी इस अदा से घबराता था। दूसरी एक खासियत तो उनकी आखिर तक पहचान बनी रही, वो थी माया युद्ध की कला, मतलब छापामारी। तेजी से कूच करने वाली मराठा सेना इस समय उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी, पर सेना के साथ भारी तोपें, लाखों की तादाद में तीर्थयात्री और महिलाएं, ये सब रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर देते थे। तो समझ लीजिए कि युद्ध के लिए जा रही सेना एक बारात में तब्दील हो गई, जैसे वो किसी महायुद्ध पर नहीं किसी पिकनिक पर जा रहे हो। उधर उत्तर भारत में अब्दाली की सेना ने कहर बरपा रखा था। इस कारण से बहुत से लोग जो मराठों का साथ दे सकते थे वो भी डर के मारे अब्दाली के साथ हो लिए। इनमें से एक था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला मरता क्या ना करता की स्थिति में अब्दाली से जा मिला। मराठे इतने धीरे चल रहे थे कि पूरा बसंत निकल गया, पूरी गर्मी बीत गई, बरसात का मौसम आ गया और सेना ग्वालियर में ही रुक गई। संजोग से इस बार बरसात भी बहुत लंबी चली। फिर बरसात के तुरंत बाद नदियां चढ़ी रहती हैं, तो ऐसी नदियों को पार करना भी मुश्किल होता है। खैर, गलतियां तो अब्दाली ने भी की थी। अफगानों का या यूं कह लीजिए कि भारत को लेकर बाहर के हमलावरों का एक उसूल रहा है कि ठंड में हमला करो, माल बटोरो और गर्मी शुरू होने से पहले फरार हो जाओ। भारत की गर्मी अफगानों के लिए असहनीय थी, पर नजीब खान रोहेले ने किसी तरह से अब्दाली को रोक लिया। तो भारत की गर्मी और बरसात अब्दाली ने सिर्फ नजीब और मौलवी शाह वलीउल्लाह के कहने पर झेली। शाह वलीउल्लाह ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वहाबी जिहाद का प्रचार किया और मराठों की गैर मौजूदगी में ये काम बड़े धड़ल्ले से होता रहा। हम आगे देखेंगे कि इस वहाबी जिहाद के प्रचार की भारी कीमत मराठों को कैसे चुकानी पड़ी। तो जब तक मराठा सेना दिल्ली पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाह वलीउल्लाह का वहाबी जिहाद का प्रचार हो चुका था, शुजाउद्दौला अब्दाली की तरफ जा मिला था और राजपूतों का रवैया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जाट राजा सूरजमल ने मराठों का साथ नहीं छोड़ा। अगस्त में मराठे जब दिल्ली पहुंचे तो अब्दाली यमुना की दूसरी तरफ अनूप शहर में था।
नदी चढ़ी हुई थी, तो इस समय अब्दाली का इतनी बड़ी सेना को लेकर यमुना के पार आ पाना असंभव था। जुलाई और अगस्त 1760 के दरमियान मराठों और जाटों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन तभी जाट राजा सूरजमल और सदाशिवराव भाऊ के बीच अनबन हो गई। क्यों अनबन हुई, इस पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। यहां तक कहा जाता है कि सूरजमल ने भाऊ से दिल्ली मांगी थी, ये एक असंभव सी शर्त थी, तो जाट नाराज हो गए और सूरजमल वापस भरतपुर चले गए। सदाशिवराव भाऊ न जाटों से दोस्ती कर पाया, न सिखों को दोस्त बना पाया। राजपूत तो पहले से ही खुन्नस खाकर बैठे हुए थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से दोस्ती करने में भाऊ ने पहले ही बहुत देर कर दी थी। तो अब मराठे उत्तर भारत में लगभग अकेले थे, केवल एक पटियाला का आला सिंह जाट उनकी मदद करता रहा और दिल्ली से इमादुल मुल्क। यमुना में बाढ़ आई हुई थी तो अब्दाली यमुना पार नहीं कर सकता था और इसीलिए अवध का नवाब शुजाउद्दौला अब मराठों का साथ नहीं दे सकता था। ये बात आपको नक्शे में भी दिखाई दे रही होगी। सितंबर भर यही स्थिति बनी रही। अक्टूबर में मराठों ने करनाल के पास कुंजपुरा पर नजर डाली। कुंजपुरा में अब्दाली ने एक बहुत बड़ी सेना रखी थी, साथ में रसद और गोला बारूद भी था। तो अक्टूबर में मराठों ने कुंजपुरा को लूट लिया। कुंजपुरा की अफगान छावनी का वो हशर किया कि अब्दाली भी कांप गया। कुंजपुरा की अपनी सेना की इस बर्बादी पर अब्दाली आग बबूला हो गया और वो किसी भी कीमत पर यमुना पार करने को तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में दिल्ली के पास बागपत में उसने यमुना पार कर ली और सोनीपत में अपना पड़ाव डाला। इस समय मराठे क्या कर रहे थे? कुंजपुरा की जीत के बाद मराठे उत्साह में अंधे हो गए थे और तीर्थ यात्राएं करने में मशगूल थे। इसी समय अब्दाली ने यमुना पार करके उनका दक्षिण से रास्ता काट दिया। मराठे एक तरह से घेरे में फंस चुके थे, ऊपर से लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री और महिलाएं। अब यहां पर एक बात और समझिए कि कुंजपुरा से लूटी हुई जिस रसद से मराठा सिपाही आसानी से 3 महीने चला सकते थे, वो सारी रसद तीर्थयात्रियों ने और न लड़ने वाली महिलाओं ने 3 हफ्ते में ही चट कर डाली। दिसंबर तक छापे मार मार कर किसी तरह से काम चलाते रहे, पर ठोस समाधान नहीं निकला। भूख के मारे मराठा सेना का बुरा हाल हो गया। अब्दाली धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ पानीपत के पास आ गया। अब दोनों खेमे पानीपत में कुछ मीलों के फासले पर आमने सामने थे। नक्शे में अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि अब्दाली ने मराठों का दक्षिण का रास्ता काट कर रखा था और मराठों ने अब्दाली का अफगानिस्तान का रास्ता रोक कर रखा था। बीच बीच में अब्दाली की सेना और मराठों के बीच में झड़प होती रही। एक में तो नजीब मरते मरते बचा। अब्दाली के पीछे से बुंदेलखंड के मराठे छापे मार मार कर अब्दाली को परेशान करते रहे। सागर का मराठा राजा गोविंद पंत बुंदेला अब्दाली की रसद लूटता और मराठों तक पहुंचाता। तो इस तरह से यमुना के इस पार अब्दाली तक रसद पहुंचाने में गोविंद पंत बुंदेला मुश्किलें खड़ी कर रहा था। दूसरी तरफ मराठे पंजाब से रसद लेते रहे। अब्दाली को जीत असंभव दिख रही थी और मराठों को भी, तो इसलिए सुलह ही सबसे अच्छा रास्ता था। अब्दाली खुद भी सुलह करना चाहता था, पर नजीब ने उसको रोका और मजहब का वास्ता दिया, उसे उसका जिहाद याद दिलाया। फिर दिसंबर की शुरुआत में अब्दाली ने अफगानिस्तान से और सेना बुलवा ली। इस सेना ने कुंजपुरा पर फिर से कब्जा कर लिया और फिर उत्तरी हरियाणा से यमुना पार कर ली और यमुना पार से जो रसद आने में अब्दाली को समस्या आ रही थी उसका इलाज कर डाला। यानी इस कांड में 20 दिसंबर में मेरठ के पास गोविंद पंत बुंदेला को मार डाला गया और अब मराठे पूरी तरह से घिर गए। इस घेराबंदी को लंबा चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी भाऊ को उम्मीद थी कि कोई न कोई सेना पुणे से उनकी मदद के लिए आ रही होगी। लेकिन पेशवा नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव अभी दिल्ली से बहुत दूर था। उधर पुणे में लापरवाही की सारी हदें पार हो गई। मराठे इस तरह से उत्तर भारत में बुरी तरह से फंस चुके हैं, इसकी पेशवा को खबर तक नहीं थी और अब्दाली की घेराबंदी में फंसी मराठा सेना के बीच का पत्र व्यवहार अब्दाली ने काट रखा था। पेशवा तक अब्दाली ने खबर तक नहीं पहुंचने दी। यही अगर मराठे किसी तरह कर पाते, यानी कि अब्दाली और अफगानिस्तान के बीच में पत्र व्यवहार ही नहीं होने देते, तो शायद इतिहास कुछ और हो सकता था। इसी समय मराठों की एक टुकड़ी दिल्ली के लाल किले में तैनात थी। वो जब पानीपत की ओर चली तो अब्दाली ने उसका रास्ते में ही सफाया कर दिया। ऐसा ही बीच बीच में मराठे भी किया करते थे। जहां कहीं भी कोई अफगान टुकड़ी उनके हत्थे चढ़ती, उसका पूरा सफाया कर दिया जाता। लेकिन सांप सीढ़ी का खेल आखिर कब तक चलता? मराठों को कहीं से भी मदद मिलने की संभावना नहीं दिख रही थी। घेराबंदी पहले ही कुछ ज्यादा लंबी हो चुकी थी। अब एक निर्णायक युद्ध की घड़ी आ गई थी।